hello everyone this is class 6 maths chapter 32 we have already started exercise 32b question number 1 2 we have done this is question number 3 part 1 as we know that in exercise 32b we are dealing with area so area of rectangle is length multiply breadth so by using this formula we will solve this question here in this question vita we have to find length लेंथ फाइंड करनी है एरिया इज गिवन ब्रेथ इज गिवन सो उसके लिए अप्लाई फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया इज फर्स्टली वी विल चेक यूनिट्स आल्सो ना सो यूनिट्स मैंने देख लिए थे पहले ही क्या है सेम है तो so, हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एरिया फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वेयर लेंथ वी हैव टू फाइंड सो राइट इट एज इट इज़ ब्रेथ इज सिक्स सेंटीमीटर सो यार बेटा एल की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो सिक्स इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है ना प्लस माइनस में तो नहीं है मल्टीप्लाई में है तो ये चीज़ बताई हुई है जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है जब उसको दूसरी साइड लेके जाना है तो वो डिवाइड में जाती है फोटी एट सेंटीमीटर स्क्वेयर ओवर सिक्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया अब सिक्स से इसको डिवाइड कर दो तो. तो ये हो गया हमारे पास कितनी आ गई लेंथ एक सेंटीमीटर कट गया था एक बच गया था सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर आप इसको चेक भी कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू इन द एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है लेंथ हमने कितनी फाइंड करी एट इंटू सिक्स कितना हो गया फोर्टी एट तो हमारा क्वेश्चन सही है बिल्कुल सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ब्रेथ ब्रेथ फाइंड करनी है एरिया इज केवल लेंथ इज केबन चेक द यूनिट्स यूनिट्स क्या है, इनके सेम है ठीक है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ पुट द वैल्यूज एटी एट मीटर स्क्वायर लेंथ इज इलेवन मीटर इन टू ब्रेथ राइट इट एज इट इज़ इलेवन मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा तो किस में जाएगा में जाएगा मीटर से एक मीटर कैंसल हो गया कितना आया एट सो एट मीटर इज द रिक्वायर्ड ब्रेथ चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके एटी एट आ रहा है सो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दैट इज ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज थ्री पॉइंट सिक्स मीटर फाइंड इट्स पैरामीटर एंड एरिया ऊपर वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन जो था वो रेक्टेंगल के लिए था अभी हम करेंगे स्क्वेयर के लिए ठीक है पैरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है सो लेट्स डू सी बेटा दिस इज अ स्क्र एक साइड थ्री पॉइंट सिक्स मीटर की दी है इट मीन्स ऑल साइड्स ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स मीटर फर्स्टली टू फाइंड पेरीमीटर पैरीमीटर किसके इक्वल होता है स्क्वेयर का फोर मल्टीप्लाई साइड ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताई हुई हैं फोर इंटू सॉरी साइड साइड कितनी है थ्री पॉइंट सिक्स तो इसको मल्टीप्लाई करिए राइट एक डेसिमल छोड़ के एक सॉरी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल अप्लाई करिए दिस इज द रिक्वायर्ड पैरिमीटर सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड एरिया एरिया किसके इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई साइड बेटा ये सब कुछ मैंने पहले बताया है जिसने जो दूसरी वीडियोस नहीं देखी है पहले वो चेक करिएगा आफ्टर दैट आपको इजीली समझ आ जाएगा साइड कितनी है थ्री पॉइंट सिक्स मीटर दोनों को करिए मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट आंसर सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गॉट द आंसर ट्वेल्व हंड्रेड नाइन्टी सिक्स तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ लगा था एक डिजिट छोड़ के यहाँ लगा था टोटल कितने डिजिट छोड़े हैं दो छोड़े हैं दोनों में ठीक है तो दो डिजिट छोड़ के मैंने डेसिमल लगा दिया और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करा मीटर स्केयर बन गया दैट इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू